तो चीनी सस्ते फोन भारत में बैन हो सकते हैं। चाइना ने भारत से बड़ी बात कही है। चीन अपनी स्मार्टफोन कंपनियों के बचाव में उतरा है। बजट सेगमेंट में बैन किए जाने के रिपोर्ट्स पर चीनी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। चीन का कहना है कि वो अपनी कंपनियों के वैध अधिकारी के साथ खड़ा रहेगा। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां पहले से ही सरकार के रडार पर है। बड़ी खबर, अपनी कंपनियों के बचाव में चीन उतर आया है। भारत से किया सहयोग और खुलेपन का आग्रह, पहले से ही सरकार के रडार पर है। चीनी कंपनी ओप्पो, वीवो और शाओमी तीनों को टैक्स चोरी और कस्टम ड्यूटी बचाने के आरोप में नोटिस भी भेजा जा चुका है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।